দিল্লিতে আজ বিজেপি শিবাজ শিকার কার্লিকে ব্যাঠা আসছেন শিবরাজ অমর সিং হোমের সঙ্গে দলীয় বৈঠক। बारिश के चलते सीएम शिवराज सागर मार्ग दौरा निरस्त, आज कंडालिया बांध का करना था लोकार्पण। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही पहुंचने लगे थे लोग। अजीत जोगी की पार्टी जेसीसीजे को फिर लगा झटका, पाटन के खिलाफ इंसान सदस्य अपने 700 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उन्नाव का दौरा, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात, राहत सामग्री भी की वितरित। कांग्रेस अध्यक्ष के भोपाल दौरे पर गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह का तंज, बोले राहुल गांधी के दौरे के बाद 20 राज्यों में सफाया हो चुका कांग्रेस का। चंबल में खनन माफिया बेखौफ, मुरैना में वेट का अवैध परिवहन रोक रहे डिप्टी रेंजर को ट्रैक्टर से कुचलकर मारा। विदिशा के घर घर जाकर ताली बजाने वाले बयान ने पकड़ा तूल, एमपी से पहले किन्नर विधायक शबरम ने विवादित बयान पर मंत्री को दिया श्राप, कहा मेरा श्राप नहीं जाता बेकार, दिग्विजय सिंह इसका प्रमाण। लखनऊ साइबर क्राइम सेल ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, चार सातिल अपराधियों को धर दबोचा, कई लोगों के साथ की करोड़ों की ठगी। उज्जैन में महाकाल मंदिर प्रशासन एक बार फिर विवादों में घिरा, परिसर में एक युवती का अश्लील डांस करते हुए वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कई जगह आफत की बारिश, शहडोल बाण सागर डैम के 18 गेट खुले, कोरिया में हंसदेव नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा पानी यातायात पर पड़ रहा सीधा असर।